नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। यदि आयत का आयाम 14 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, उसने हमसे कहा है कि एक आयत है और एक वृत्त है। अब इन दोनों के क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, ये उसने कंडीशन हमें दे दी है। और दूसरी चीज उसने कहा है कि आयत का आयाम 14 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर है, यानी आयत की जो लंबाई है L बराबर वह है 14 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है B बराबर वह है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, R की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है, अब हम ऐसे लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, यह प्रश्न ने हमें दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पाई आर स्क्वायर जीवका तू लंबाई है 14 और चौड़ाई है 11, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 11 भागे पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 14 गुणे 11 भागे 22 बटे में 7 रहेगा, उसको हम ऊपर भूल देंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 7 × 7, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यह वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था जो उसने कंडीशन दी कि वृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया, दोनों के सूत्र लिख लिए, जो जो वैल्यू हमको दी थी वो हमने रख ली, और इससे हमारी आर की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर हमने पाई के बराबर क्या रखा है, तो पाई के बराबर रखा है 22/7, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकतर प्रश्न में यह रखते हैं, कहीं कहीं 3.14 भी रख देते हैं। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।